एशियानी सौथी मोटी रॉयल मोटरिंग इवेंट मानी 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगन्स 2023 नु वडोदरा ना आइकोनिक लक्ष्मी विलास पैलेस खाते भव्य रीते फ्लेग ऑफ करवामां आव्यु। भारत नी आजादी ना 75 गौरवशाली वर्षो नी उजवणी मां 75 विंटेज वन ऑफ कार मॉडल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर गया हता। आ आजादी का अमृत महोत्सव ऐतिहासिक ड्राइव त्रिरंगा ने भव्य श्रद्धांजलि आपती सौथी वैभवी शाही ड्राइव छे। 5 जान्युआरी नी सवारे लक्ष्मी विलास पैलेस थी 75 जेटली सुंदर विंटेज गाड़ियों वडोदरा ना पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह द्वारा फ्लेग ऑफ करवामां आव्यु। वडोदरा ना महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड अने 21 गन सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चरल ट्रस्ट ना चेयरमैन अने ट्रस्टी श्री मदन मोहन उपस्थित रहा हता। मदन मोहन, चेयरमैन एंड फाउंडर ट्रस्टी 21 गन सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चरल ट्रस्ट। सर, आज जो ये 75 गाड़ी है, ये बड़ौदा से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ले जाने उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, 21 गन सैल्यूट कॉन्कॉर्स डी एलिगेंस का ये 10वां एडिशन है और इसमें खास ये है कि आज हम भारत का जो 75 सालों का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस महोत्सव की को और सुगंध पैदा करने के लिए हम 75 गाड़ियों से जो विदेशी मेहमान हैं हमारे और पूरे भारत से यहाँ लोग पधार रहे हैं, उन सभी को लेकर गुजरात के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का जो दर्शन है विशेष, उसको कराते हुए हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँचेंगे। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक सपने की तरह बनाया गया एक ऐसा पर्यटन स्थल है जिसको पूरी दुनिया में ख्याति मिलेगी, और मोटरिंग टूरिज्म जो कि दुनिया में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको हम यहाँ स्थापित करना चाहते हैं भारत में, वो उद्देश्य भी इससे पूरा होता है। क्योंकि यहाँ से जो हम ये गाड़ियाँ ले जा रहे हैं, इसके तीन बड़े उद्देश्य हो जाते हैं। एक तो गुजरात की जनता को, यंग जनरेशन को मोटरिंग के इवोल्यूशन को हम दर्शाते हैं, साथ में मोटरिंग टूरिज्म के मानचित्र पर स्थापित करते हैं और साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं। तो ये बहुत खास है और हर गाड़ी बहुत खास है इसमें।